नमस्कार दोस्तों आज हमारा लेक्चर है डेट ट्वेंटी वन इक्कीसवें दिन में हम लोग पहुंच गए हैं हम लोग वोकेबलरी पढ़ रहे हैं वोकेबलरी थर्टी डेज़ टू अ मोर पावरफुल वोकेबलरी बहुत ही शानदार किताब है अगर आपने पढ़ी है अभी तक अगर आपने बीस लेक्चर कवर किए हैं इसके तो आपको अभी तक पता लग ही गया होगा अंदाजा हो गया होगा कि ये कितनी शानदार किताब है आज हम जो वर्ड पढ़ने वाले हैं वर्ड्स फ्रॉम लैटिन अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मोर देन मोर देन फिफ्टी परसेंट जो वर्ड है हमारे मोर देन फिफ्टी परसेंट वर्ड्स आर डेराइव फ्रॉम लैटिन भाषा और लगभग पच्चीस परसेंट से ज़्यादा जो वर्ड है हमारे वो कहाँ से आते हैं ग्रीक लैंग्वेज से आते हैं अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बात पहले बताई थी तो जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने हम वर्ड्स पढ़ते हैं वोकेबलरी में जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं वो वर्ड्स इन्हीं भाषाओं से निकल कर आते हैं तो आज हम आपको आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ये वर्ड्स निकलते हैं इनके क्या मीनिंग होते हैं और इनसे कैसे वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं बना सकते हैं अगर हमें रूट वर्ड का पता होगा तो हम उसका मीनिंग जानकर जितने भी उससे उस उससे जो वर्ड्स बनते हैं उन सब के बारे में पता कर सकते हैं ओके तो मैं आपको बता रहा था कि जो रूट वर्ड्स हैं हमारे ना अगर हमें रूट वर्ड का पता है तो हम रूट वर्ड की मदद से उस उससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट उनके बारे में पता कर सकते हैं और यही हमारा मकसद है आपको वॉकेबलरी पढ़ाने का ताकि आप वैबलरी को इस प्रकार से जान जाएं कि आप उसको रटे नहीं आप उसको समझें और मिनिमम वर्ड्स को पढ़ के आप मैक्सिमम वर्ड्स का मतलब निकाल सकते हैं तो यही हमारा मकसद है आपको वोकेबलरी पढ़ाने का तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो पहला रूट वर्ड है वो दिया है एनिमा एक सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ एनिमल एनिमल तो सबको पता ही होगा ठीक है जानवर हम कहते हैं जिसको एनिमल ठीक है तो एनिमल में भी एनिमा एनिमा वर्ड देखिए एनिमा रूट वर्ड आया है और एनिमा का मतलब होता है सोल लाइफ स्प्रिट ठीक है या माइंड ये सभी वर्ड हैं किसके एनिमा के अगर किसी भी वर्ड के अंदर अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आप इनमें से कोई भी रूट uh, वर्ड आपको दिखे तो आप समझ जाइए उसका क्या मतलब है यानी ये रूट वर्ड है अगर आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड में आपको ये एनिमा एनिमा रूट वर्ड दिखे तो आप समझ जाइए उसका मतलब इन्हीं में से कुछ होने वाला है सोल लाइफ स्प्रिट या माइंड ठीक है तो चलिए हम देखते हैं कि एनिमा का मतलब क्या है और इससे कौन कौन से शब्दों को हम बना सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एनिमा का मतलब है माइंड ब्रद्ध सोल या स्प्रिट और इससे कौन कौन से शब्द बने हुए हैं एनिमेट बना है एनिमक्यूल बना है मैं इनके मतलब आपको बताऊंगा। अभी जब हम एक्सरसाइज में इनको रिवाइज़ करेंगे तब इनके मतलब भी मैं आपको इनके मीनिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद और क्या वर्ड बना है Equanimity, ठीक है Magnanimous, unanimous, inanimate और एनिमोसिटी ये सभी वर्ड किससे बने हैं रूटवर्ड हमारा क्या है Anima। ये हमारा रूटवर्ड है इससे मिलकर ये सारे शब्द बने हैं और भी बन सकते हैं जब आप पढ़ेंगे ठीक है आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे मैगजीन पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे दिखेंगे जहाँ पर आपको रूट वर्ड जो है वो एनीमा मिलेगा ठीक है तो चलिए हम अब रिवाइज़ कर लेते हैं इनको जो रूट वर्ड है हमारा एनीमा और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको ये रही हमारी एक्सरसाइज जिसमें दिया है एनी एनीमे क्यूल।, एनी क्यूल का मतलब होता है। जैसे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं कवक होते हैं सवाल होते हैं ठीक है यानी समुन्द्र में जो पाए जाते हैं ना दैट इज़ अ स्मॉल लिविंग क्रिएचर ठीक है उनके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमा नेक्स्ट है हमारा एनिमेट एनिमेट देखिए एनिमेशन से बना है इसमें रूट वर्ड क्या है एनिमा जिसका मतलब होता है लाइफ और एनिमेट किसी के अंदर जान भर देना किसी के अंदर जान डाल देना जिंदगी डाल देना टू ब्रीद लाइफ इन टू ठीक है तो उसी को कहते हैं एनिमेट एनिमेट में हम क्या करते हैं यही तो करते हैं ठीक है जो टू डी पिक्चर होती है उसके या थ्री डी पिक्चर होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं जान डाल देते हैं कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से दैट इज़ कॉल्ड एनिमेट नेक्स्ट है इक्व इक्वल इक्वल से बना है ये इक्वल मतलब समान होता है यानी इक्वल और एनिमी एनिमेट आपको पता ही है एनिमे एनिमेट का मतलब होता है क्या लाइफ ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ इक्वल uh, या तो समान और प्लैकिड प्लैकेट मतलब होता है शांत ठीक है शांत स्वभाव का ये होता है प्लैकिड स्प्रिट और माइंड कोई स्प्रिट और माइंड के लिए अगर हम यूज़ करते हैं प्लैकिड और इक्वल नेक्स्ट है मैगनानिमस मैगनैनिमस मतलब होता है लार्ज नोबल या स्प्रिट नेक्स्ट है यूनानिमस यूनानिमस मतलब होता है ऑफ वन माइंड यानी जब बहुत सारे लोगों के विचार एक जैसे हो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूनानिमस ठीक है जैसे ए है और ये बी है ए और बी दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और यहाँ पर सौ वोट है तो अगर सौ के सौ वोट एक ही व्यक्ति को चले जाएँ तो दैट इज़ कॉल्ड यूनानिमस डिसीजन ठीक है उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लो कोई डिसीज़न देना है और वहाँ पर पाँच जजों की कोई बेंच है और अगर ये पाँच जजों की बेंच एक ही डिसीज़न देती है तो दैट इज़ कॉल्ड यूनानिमस डिसीजन ओके तो नेक्स्ट है हमारा क्या इन एनिमेट देखिए एनिमेट मैंने आपको बताया अभी एनिमेट का मतलब होता है लाइफ जिंदगी भर देना किसी चीज़ के अंदर और इन एनिमेट मना इन एनीमेट का मतलब होता है नकार देना या मना कर देना या नहीं होना उस चीज़ का तो विदाउट अ सोल बिना जिंदगी के कोई चीज़ अगर है तो दैट इज़ कोल्ड इन एनीमेट नेक्स्ट है एनिमोसिटी दुश्मनी ठीक है और वीमेंट मतलब होता है क्या वीमेंट का मतलब होता है उग्र और एनिमोसिटी होता है दुश्मनी ठीक है कभी कभी हिंदी भी याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है एनिमोसिटी मतलब होता है दुश्मनी और वीमेंट का मतलब होता है उग्र ठीक है तो एनिमोसिटी मतलब हो गया वीमेंट एनिमिटी यानी ऐसा दुश्मन आपको जो बहुत ज़्यादा उग्र है एनिमिटी मतलब दुश्मन और लिटरली विद विद वंस माइंड अगेंस्ट जब किसी के खिलाफ आप काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनिमोसिटी दुश्मनी निभाते हैं प्यूशुल एनिमस प्यूशुल एनिमस मतलब होता है कावर्डली यानी जो कायर होता है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्यूशल एनिमस ठीक है कायर के लिए नेक्स्ट है एनिमडवर्ड ठीक है एनिमड वर्ड एडवर्ड मतलब क्या होता है जब हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी को ठीक है निंदा करते हैं किसी की तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं निंदा करना निंदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनिमड वर्ड ठीक है आप इसको याद रखिएगा तो दोस्तों ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज जिसमें हमें हमने एनिमा रूट वर्ड के बारे में पढ़ा और इससे बनने वाले कितने शब्द हैं उनके बारे में भी पढ़ा नेक्स्ट चलते हैं इक इसके इसको ये है आपका लैटिन वर्ड और लैटिन वर्ड को की जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो डिफरेंट होगी बट इसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ ये ऐसे होगा या आई क्यू यू इक ठीक है ये है इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इक या इक ठीक है और इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है इक्वल इसका मतलब होता है इक्वल और इससे कौन कौन से वर्ड हम बना सकते हैं वो ये रहे इक्वल इक्वेशन इक्वालिटी इक्विटी और इनक्विटी तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इस रूट वर्ड से बने हुए हैं अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो है मैगनस मैगनस का मतलब क्या होता है लार्ज ठीक है इसका मतलब होता है लार्ज और इससे कौन कौन से रूट वर्ड हम बना सकते हैं नहीं इससे हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं वो ये रही आपके सामने मैग्नेट बना सकते हैं मैग्नीफाई बना सकते हैं मैग्नीफिकेंस मैग्नीलेंट ठीक है मैग्नीट्यूड और मैग्नम और मैग्नम ओपस ये हम वर्ड्स इससे बना सकते हैं ठीक है अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं ये रही हमारी एक्सरसाइज द लार्ज माइंडेड नॉट पेटी ठीक है लार्ज माइंडेड नॉट पेटी इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए यूज करेंगे मैग नैनीमस मैग नैनीमस ठीक है लार्ज माइंडेड जो होता है उसके लिए मैगना स्मॉल माइंडेड के लिए क्या यूज करेंगे ठीक है स्मॉल माइंडेड के लिए यूज करेंगे प्यूसिल एनिमस प्यू एस आई एल एल ए प्यूसिल ए नी एम ओ यू एस प्यूसिल एनिमस ठीक है स्मॉल माइंड के लिए प्यूसिल एनिमस लार्ज माइंड के लिए मैगना दोनों को याद रखिएगा नेक्स्ट नंबर तीन स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी अगर किसी से आपकी दुश्मनी है शत्रुता है स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी है तो आप क्या यू, यू, यूज़ करते हैं वर्ड एनीमो सिटी एनीमो सिटी दुश्मन ठीक है नेक्स्ट है टू इन्वेस्ट विद लाइफ टू इन्वेस्ट विद लाइफ का मतलब क्या हुआ यानी किसी में जान फूँक देना किसी में जान को डाल देना और इसके लिए क्या वर्ड था एनिमेट इसके लिए वर्ड था हमारा एनिमेट नेक्स्ट है मेक लार्जर मैग्नीफाई ठीक है किसी चीज़ को बड़ा बना देना उसके लिए क्या यूज़ करेंगे मैग्नी नेक्स्ट है विदाउट लाइफ इन एनीमेट एनीमेट मतलब विद लाइफ और इन एनीमेट इन अगर लग गया तो उसका मतलब है उसके बिना ठीक है तो इन एनिमेट वर्ड हो गया विदाउट विदाउट लाइफ और विद लाइफ तो क्या था ये देखे स्ट्रॉन्ग कहाँ था ये रहा सॉरी टू इन्वेस्ट विद लाइफ ठीक है इसका मतलब क्या था एनीमेट नेक्स्ट है हमारा नंबर सेवन टर्न्स वंस माइंड टू टर्न्स किसी का दिमाग को पलट देना ठीक है किसी के दिमाग को पलट देना तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड था नंबर सेवन एनी 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 मर्ड वर्ड एनी मर्ड वर्ड एनी मर्ड वर्ड वर्ड था किसी के दिमाग को बदल देना नंबर एट एग्री टू बाई एवरी वन जिस जिस पर सभी लोग राज़ी हो जाएं ठीक है उसके लिए क्या वर्ड था यून एनी मस उसके लिए वर्ड था क्या यूनानिमस नेक्स्ट है नंबर नाइन यूजिंग फ्लावरी और लैंग्वेज ठीक है यूजिंग फ्लावरी और लैंग्वेज इसके लिए क्या वर्ड था यानी क्या वर्ड था यूजिंग फ्लावरी और लैंग्वेज यानी एक ही भाषा में बात करना यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना ठीक है बोम्बासटिक पोम ठीक है पोम पोम्पस का मतलब होता है क्या बढ़त को बढ़ा चढ़ा बोलना बोम्बासटिक बखान करना अपने बारे में ठीक है तो इसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया है यहाँ पर दिया गया है मैग्नी लोकवेंट इसके लिए यहाँ पर वर्ड दिया है मैग्नी लॉकवेंट ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से ये था हमारे आ, कुछ नाइन वर्ड्स हैं नाइन सेंटेंसेज हैं जिसमें हमने इन वर्ड्स को पढ़ा जो हमने मैग्नस के बारे में बनाए थे ठीक है थोड़े कुछ और वर्ड दे रखे हैं देख लेते हैं ओके नंबर टेन क्या दिया है प्लैकेड ठीक है प्लैकेड का मतलब तो शांत होता है मैंने आपको बता दिया था और अनरफल्ड टेम्परामेंट ठीक है इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड दिया है इकोनी मिटी इक वैनी मिठी इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं नंबर नंबर एलेवन ग्रेट लिट्रेली और आर्टिस्टिक वर्क ग्रेट लिट्रेली और आर्टिस्टिक वर्क ऐसा काम जिसकी तारीफ हर कोई करेगा इसके लिए क्या वर्ड था मैगने मैगनम ओपस ठीक है मैगनम ओ पी यू एस ओपस मैगनम ओपस ठीक है मैगनम ओपस के लिए हम आ, क्यों यूज़ करते हैं देखिए जैसे एम एफ हुसैन की जो पेंटिंग्स हैं ना दैट इज़ कॉल्ड मैगनम ऑप मैगनम ओपस ठीक है उनका कोई शानी नहीं है उनका कोई टक्कर का है नहीं दूसरा तो इसीलिए ऐसा कोई काम जो जिसका कंपैरिजन करना काफ़ी मुश्किल है और जो अपने फील्ड में यूनिक है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैगनम ओपस नंबर है टू ट्वेल्व टू क्वार्ट बोटल ठीक है टू Quart bottle. तो ये बड़ा मैगनम ठीक है मैगनम Mag मैगनम इसके लिए वर्ड दिया गया है नेक्स्ट है लार्जनेस लार्ज साइज ठीक है मैग्नीफाई लार्जनेस लार्ज साइज इसके लिए क्या वर्ड दिया गया है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या ग्रेटनेस और ग्रैंडियर ठीक है ग्रेटनेस और ग्रैंडियर के लिए हमारे पास क्या वर्ड दिया गया है मैग्निफिकेंस मैग्नी Magni मैग्नीफिकेंस और एक वर्ड था हमारा पोम्पस पिछले में पिछले वाले एक्सरसाइज में था पोम्पस ठीक है उन दोनों में अंतर यह होता है कि एक में तो क्वालिटी एक्चुअल में है ग्रेटनेस है ग्रैंडियर जिसके अंदर ग्रेटनेस है ग्रैंडियर है वो मैग्नीफिकेंस यूज करेगा और जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है ये वाला वर्ड था हमारा ये यूजिंग फ्लावरी लैंग्वेज यस यही वाला वर्ड है यूजिंग फ्लावरी लैंग्वेज फ्लावरी लैंग्वेज का मतलब है कि बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोलना ठीक है पोम्पस वोमबास इसके लिए वर्ड था हमारा क्या मैग्नी लोकवेंट मैग्नी लॉकवेंट लेकिन जो वर, अगला जो वर्ड मैंने आपको बताया मैग्नीफिकेंस उसके अंदर एक्चुअल में वो क्वालिटी होती है जिसके हम बात करते हैं ठीक है ये वाला मैग्नी लॉकवेंट ग्रेटनेस और ग्रैंडियर ठीक है ये होता है मैग्नीफिकस नंबर फिफ्टीन इंपोर्टेंट पर्सन इन इंडस्ट्री इंपोर्टेंट पर्सन इन इंडस्ट्री ठीक है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके ऐसी पर्सनैलिटी को हम यूज़ करते हैं मैगनेट ठीक है मैगनेट नेक्स्ट है नंबर सिक्सटीन वेरी स्मॉल क्रिएचर ठीक है ए वेरी स्मॉल क्रिएचर उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं एनी एनी क्यूल ये वर्ड होता है एनी स्मॉल क्रिएचर जैसे कवक सहवाल या जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एनी ये जो वायरस बैक्टीरिया उनके लिए हम यूज़ करते हैं एनीमेक्यूल ठीक है एनी तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मैग्नस मैग्नस जो रूट वर्ड था उससे डेराइव हो जितने भी वर्ड्स बने हैं वो सेंटेंसेस में रख के हमने रिवाइज कर लिए अब चलते हैं आगे अगला अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है ये यूनस ठीक है इसको क्या पढ़ेंगे यूनस इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे यू नस तो ये हमारा है क्या लैटिन वर्ड और इससे हम कौन कौन से इसका पहले तो देख लेते हैं मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है वन और इससे डराइव होने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं वो ये रहे ठीक है यूनिफाई यूनिकॉर्न यूनिफॉर्म यूनियन यूनिटी यूनिफिकेशन यूनिक यूनिसन एंड यूनाइट ठीक है अब इनको एक्सरसाइज में रख के भी हम देख लेते हैं ताकि हमें ये वर्ड्स याद हो जाए जो पहला है नंबर एक मेक इंटू वन एक बनाना ठीक है मेक इंटू वन एक बनाना तो उसके लिए क्या आएगा यूनिफाई यूनिफाई कर देना ठीक है यूनिफाई मतलब होता है एक बना देना एक बना देना नेक्स्ट नंबर टू अ फैबलस फेबलस एनिमल विद अ सिंगल स्ट्रेट हॉर्न ऐसा ऐसा जानवर जिसके सिर पर ना एक सींग होता है उसको क्या कहते हैं यूनिकॉर्न कहते हैं अगर आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी कौन सी मोहनजोदारो उसमें ये यूनिकॉर्न का जिक्र हुआ है नंबर तीन क्या दिया है ऑफ वन फॉर्म और काइंड एक ही प्रकार के ठीक है एक ही प्रकार के जैसे अगर स्कूल के बच्चों के आप कपड़े देखेंगे तो वो क्या होंगे एक ही तरह के सारे कपड़े होंगे ना उनको क्या कहते हैं यूनिफॉर्म इसीलिए उनको यूनिफॉर्म कहते हैं क्योंकि वो एक ही प्रकार की होती हैं सारी नंबर फोर है, है द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड ठीक है एक कर देना यूनिफिकेशन या यूनिफाई कर देना यूनियन ठीक है यूनियन या यूनिफाई कर देना या यूनिफिकेशन कर देना इसी को कहते हैं क्या यानी जुड़कर एक हो जाना इसको कहते हैं यूनिफिकेशन यूनियन या यूनिफाई द स्टेट ऑफ बीग यूनाइटेड एक हो जाना नंबर फाइव डिस्क्रिप्टिव ऑफ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ठीक है उसके प्रकार के केवल एक ही होगा एक ही प्रकार की बातें करना उसको क्या कहेंगे यूनिक ठीक है यानी यूनिक है अलग है सबसे नंबर सिक्स है हारमोनी ठीक है यूनिसन यूनिसन जो चीज़ हार्मोनी में है एक स्वर में है एक स्वर में है उसको हम क्या कहेंगे यूनिसन नेक्स्ट है असिंगल वन अकेला ही है जो ठीक है यूनिट ठीक है यूनिट जैसे किलोग्राम वेट की यूनिट हो गया मीटर डिस्टेंस की यूनिट हो गया तो उसी यूनिट की बात कर रहा है ये। अ सिंगल यूनिट यानी सबसे स्मॉलेस्ट ठीक है सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट उस चीज़ का उसको हम कहते हैं क्या यूनिट ठीक है तो इस प्रकार से ये था हमारे रूट वर्ड्स जो हमने रिवाइज़ किए हैं अभी कुछ और रूट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग में आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जैसे एनिमा मतलब मैंने आपको बता दिया सोल स्प्रिट या माइंड ठीक है इक 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 का मतलब होता है इवन या इक्वल मैग्नस का मतलब होता है लार्ज यूनस का मतलब होता है वन बैने का मतलब वेल well. और वॉलेंस का मतलब विशिंग और फेशर का मतलब होता है टू डू या टू मेक ठीक है और डिग्री का मतलब होता है टू से और टेल नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है ये भी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ इनके मतलब यहाँ इनके एग्जाम्पल्स तो दे रखे हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा इनके मतलब मैं आपको बता देता हूँ मोनोज का मतलब होता है वन और बाई बिस बिस का मतलब होता है टू या ट्वाइस पॉली का मतलब होता है मैनी ठीक है मीजे मीजेन का मतलब होता है हेट वर्ड बना है मीजोगी मीजोगी मीजोगाइनी मतलब वन हो हेट वमेन गैमोज का मतलब होता है मैरिज ठीक है मैरिज और वर्ड क्या बना है बाइगेमी जिसकी दो शादी हुई है थियोज मतलब होता है गॉड ठीक है मोनोथीज मोनोथीज मतलब जो एक भगवान में विश्वास करता है एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड ठीक है मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मैनकाइंड फिलियन का मतलब होता है लव ठीक है यानी फिलेन का मतलब होता है लव और इसके लिए वर्ड क्या दिया है फ्लैटलिस्ट फ्लैटलिस्ट होता है वन हु लव टू कलेक्ट स्टैम्प्स ठीक है जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करना पसंद करता है लोगोज का मतलब होता है क्या स्टडी और नेक्स्ट है कस्पिस कस्पिस मतलब होता है पॉइंट या तरफ या डायरेक्शन ठीक है जैसे बाइक का स्पीड टाइक का स्पीड टू पॉइंट थ्री पॉइंट ऐसे तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है इसमें हमने पढ़ा कि जो रूट वर्ड्स हैं वो क्या होता है और रूट वर्ड से हम इंग्लिश के वर्ड्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं बना सकते हैं मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसकी मदद से आप अंग्रेज़ी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको रूट वर्ड्स का पता लग जाता है तो आप वर्ड्स को भी फॉर्म कर सकते हैं इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ आपकी तैयारी के साथ ठीक है अपनी तैयारी कर सकें जिस प्रकार से आप वो कैबलरी का बेनिफिट उठा रहे हैं वो भी बेनिफिट उठा सकें लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद